మేచేర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో ధర్నా నిర్వహించిన ప్రజాసత్తా పార్టీ చీఫ్ అరుణ్ కుమార్ త్యాగి. 2005లో పార్లమెంట్ చే ఆమోదించబడిన రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలు పరచడం లేదని అన్నారు. ప్రజలు తమ సమస్యలపై సంబంధిత శాఖలను సంప్రదించినప్పుడు ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారం విచారించి 30 రోజులలో సమాచారం అందించవలసి ఉంటుందని, అలాంటిది ఏండ్లు గడిచినా ఏ ఒక్క సమాచారం కూడా అధికారులు ప్రజలకు అందించడం లేదన్నారు. దీనిపై జిల్లా కలెక్టర్ స్పందించి వెంటనే తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ రెవెన్యూ డివిజన్ అడిషనల్ మెజిస్ట్రేట్ మధుకర్ రెడ్డికి వినతి పత్రం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాసత్తా పార్టీ ముఖ్య నాయకులు మహమ్మద్ యూసుఫ్, శివసాయి రాజు గౌడ్, నితీష్ చారి, మహమ్మద్ అసద్ మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. Prohibited area. There is a place near there for the dharna point for conducting dharna. ठीक है ना. तो इसमें इंस्पेक्टर साहब ने बोला, कलेक्टर साहब डेफिनेटली ही विल मीट, ही हैज गिवन द एश्योरेंस, देखेंगे. बट जब तक कलेक्टर साहब को हम अपना मेमोरेंडम नहीं देते, हम वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर, बिकॉज दिस इज द इनजस्टिस विद द कॉमन मैन. दे आर प्लेइंग द तेलंगाना गवर्नमेंट. दिस इज द फेलियर ऑफ द तेलंगाना गवर्नमेंट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन इन अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ देयर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. थैंक यू. कि तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसे पब्लिक का जो राइट बनता है उसके साथ क्यों खेल रहे हैं, क्यों डैमेज कर, वाई दे आर प्लेइंग विद द राइट्स ऑफ कॉमन मैन. प्रजासत्ता पार्टी का तरफ से मेरा यही डिमांड है. हम यहां से तभी जाएंगे, हमको कलेक्टर साहब से मिलना है, कलेक्टर साहब से मिलकर ही जाएंगे. हमारा एक इशू है, ये जो इन्फॉर्मेशन का है ये हमने कलेक्टर साहब को जो है हाथ में दे के तब मिलके तभी जाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर. वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस. सेव आरटीआई, सेव आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंप्लीमेंट करो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंप्लीमेंट करो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इंप्लीमेंट करो, आरटीआई इंप्लीमेंट करो, आरटीआई इंप्लीमेंट करो. हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब नमस्कार, बोलिए बोलिए साहब. सर सर ओके, ओके सर, प्रेस फ्रेंड्स को सबको नमस्कार. मैं ऑलरेडी परमिशन लेके ही केसरा पुलिस स्टेशन में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि पीसफुल प्रोसेस बिफोर द कलेक्ट्रेट मैटचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये है उसका लेटर जो कि मैंने ऑलरेडी एसएचओ केसरा पुलिस स्टेशन को दे के रखा है. सेकेंड थिंग, सेवनटीन अगस्त 2019 ये एक इन्फॉर्मेशन पूछे थे देवर यमजाल में 1425 एकड़ लैंड जिसपे कि कुछ लैंड माफिया लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है. उसमें एक्शन लूंगा करके बताया लेकिन उसके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी. एंडोनमेंट डिपार्टमेंट, वो सीताराम मंदिर का लैंड है जिसमें कि कुछ लोगों ने उसमें कब्जा करके बैठे हुए हैं. ऑलरेडी द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड कोर्ट हैज गिवन द ऑर्डर टू रिमूव ऑल द, उसमें जितना भी कंस्ट्रक्शन है 70 इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसमें कि पॉलिटिशियंस भी हैं. सीताराम मंदिर का प्लेस में इन लोगों ने जो है कहीं चर्च, कहीं फंक्शन हॉल, कहीं कुछ बना के रखे हुए हैं. ओके उसके बाद आरटीआई के नाम पे टाइम पास किया जा रहा है, कोई भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. ये देखिए 19 अगस्त 2019 को एक आरटीआई पेटिशन भेजाया, रिसीव कॉपी इसी में है, जवाहरनगर में कब्जे के बारे में.
उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया। और इस लेटर का रेफरेंस जो कि मैंने पूछा नहीं पंचायत सेक्रेटरी को, पूछा नहीं जवाहर नगर पंचायत सेक्रेटरी को, तो इंस्पाइट ऑफ कलेक्ट्रेट ऑफिस मेरे को मिलना चाहिए, उसका रेस्पॉन्स जो है जवाहर नगर पंचायत ऑफिस से आ रहा है, पंचायत ऑफिस से, जो कि हमने उनको पूछा ही नहीं। मीन्स टाइम पास। सेकेंड थिंग, पूरे एविडेंस के साथ लगाया हुआ है, देन ऑल्सो दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन एनीवन। उसके बाद 21 अगस्त 2019 को एमपीडीओ शामिरपेट को मैंने पूछा इलेक्शन डिक्लेरेशन फॉर्म एंड एफिडेविट ऑफ द 2014 ऑफ 20 वार्ड मेंबर्स एंड 10 एमपीटीसी 1 एमपीपी ऑफ शामिरपेट, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी आज तक अभी तक प्रोवाइड नहीं किए। उसके बाद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री भानुमूर्ति साहब, जो कि आरटीआई में नेशनल अवार्ड मिला है उनको, पुलिस डिपार्टमेंट में जाओ, पुलिस डिपार्टमेंट में डीसीपी साहब है रचाकोंडा कमिश्नरेट के, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, झूठा झूठा केस लगा देते पब्लिक के ऊपर, वो इन्फॉर्मेशन भी क्लियर तरीके से फर्निश नहीं किया है, ये रहा। उसके बाद कलेक्टर ऑफिस के लिए 14 अगस्त 2019 कलेक्टर ऑफिस के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, और इट इज रेंटल लैंड और इट इज एग्जिस्टिंग इन रेंटल और या प्राइवेट है। उसके बाद हमने पूछा इसमें अगर इसका रेंट कितना है, अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो व्हाट इज द रेंट ऑफ दिस बिल्डिंग, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ये बिल्डिंग किसका है वो